नाजरीन आदाब, मैं शबी हैदर और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि सच्ची और अच्छी खबर सबसे पहले देख सकें। इंडियन मुस्लिम फॉर पीस ने लखनऊ में की एक बड़ी मीटिंग। हिंदू मुस्लिम मुसालियत के लिए ढूंढ रहे हैं रास्ता, जिससे बना रहे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। तो नाजरीन, पूरी खबर क्या है देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद राम मंदिर हक के मिल्कियत मुकदमे की समाअत के दौरान मसालियत का जिन बोतल से बाहर, जो किसी सूरत काबू में नहीं आ रहा है। चुनांचे एक के बाद दीगरे खबरें मसालियत के सिलसिले से मौसूल हो रही हैं और सियासत का बाजार भी गर्म होता जा रहा है। मसालियत के ताल्लुक से लखनऊ में भी एक मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसकी खबर रोज़नामा इनकलाब में शाया हुई है, जिसकी सुर्खी कुछ इस तरह है। अयोध्या की मुतनाज़ आराजी को सरकार के हवाले करने की वकालत। इंडियन मुस्लिम फॉर पीस के बैनर तले दानिश्वरान की मीटिंग, मामले के अदालत के बजाय मसाले से हल करने पर जोर। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। लखनऊ, अयोध्या तनाज़ा मामले का फैसला करीब आते ही अचानक मुस्लिम दानिशवरान मसालेहत की कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। मौलाना तौकीर रज़ा के बाद इंडियन मुस्लिम फॉर पीस के बैनर तले एक मीटिंग गोमती नगर के एक होटल में हुई। मीटिंग में तय किया गया कि कुछ शर्तों की मंजूरी के बाद मामले को मसालेहत से हल कर लेना चाहिए। अदालती फैसले से फसाद और मुसलमानों के नुकसान का अंदेशा है। मस्कूरा मसालेहत की कोशिश को सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेटमेंट की बुनियाद पर बताया जा रहा है, जिसमें उसने कहा है कि मसालियत करना चाहें तो करें, लेकिन अदालत की कार्रवाई नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी। साबिक आईएएस अनीस अंसारी ने बताया कि मीटिंग में मौजूदा दानिशवरान से कबल जस्टिस कैफुल्ला की क़्यादत में होने वाली मसालियती अमल में भी तआवुन दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि मीटिंग में ये तय किया गया है कि मुतनाज़ा आराजी बाबर के ज़माने से सरकारी ज़मीन है, मसालियत से इस आराजी को हुकूमत को फिर से सौंप दी जाए। उसके मुकाबले कुछ मुतालबात हैं जो मुस्लिम कौम के मफाद से जुड़े हैं, उन्हें मनवा लिया जाए। उनमें 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद करने वालों पर सख्त कार्रवाई और उनको सज़ा दिलवाना, फसादात की SIT जाँच कराकर उनके मुलजमीन को कैफर किरदार तक पहुंचाना, 1991 के इबादतगाह से मुतालिक एक्ट को सख्ती से नाफिज कराने के साथ उसमें जो 3 माह की सज़ा की तजवीज़ है उसे 3 साल या उम्र कैद कराना, अयोध्या और दीगर शहरों में इलाकों के मसाजिद, दरगाह और इमामबाड़े वगैरह में नमाज व दीगर मजहबी रसूम अदा करने की इजाज़त के साथ ही इसकी तज़ीन कारी और तामीर नौ की इजाज़त महकमे आसार कदीमा के तहत आने वाले मसाजिद में नमाज पढ़ने और दीगर मजहबी रसूम अदा करने की इजाज़त दी जाए वगैरह शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, साबिक वाइस चांसलर AMU ने बताया कि ये तजावीज़ दोनों फरीक को भेजी जाएंगी। जब दोनों फरीक मुत्तफिक होंगे तभी उस पर आगे काम होगा। जस्टिस BD नकवी ने बताया कि इस मीटिंग के ज़रिए ये भी मंजर आम पर लाना है, हिंदू मुस्लिम दोनों फरीक इस मसले का हल चाहते हैं। हमारी उससे कबल भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मसालियत कमेटी की बात हुई है। UP सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड भी राबते में है। जमातुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी से एक वफ्द ने मुलाकात की है। तजवीज़ की एक कापी हम आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत दीगर फरीकों तक पहुँचाएँगे। वाज़ेह हो कि ये मीटिंग के दौरान होटल के अंदर और बाहर पुलिस अमलिया तैनात रहा। ज़राए के मुताबिक एक तंजीम के लोगों ने उसके ख़िलाफ़ वहाँ मुजाहरे की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर वहाँ से हटा दिया। मीटिंग में साबिक़ IPS निसार अहमद, साबिक़ IPS भभूति नारायण राय, डॉक्टर मंसूर हसन लो भार्गव, ब्रिगेडियर मोहम्मद अली, साबिक़ AD आफ्ताब आलम, वसीम अख्तर वाइस चांसलर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी,
कैरियर मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन अजमत अली, एफ आई ग्रुप के चेयरमैन सिराज अहमद समेत दीगर मुस्लिम दानिशवरान मौजूद थे। ये थी रोजनामा इनकलाब में शाया खबर। शुक्रिया नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।